दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला है वनडे मैचेस का सीरीज। यह दोस्तों बता दें कि 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में। यह दोस्तों बता दें इसके लिए भारतीय टीम का स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है। भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा का भारतीय टीम के स्क्वाड में वापसी हो चुकी है। जहां दोस्तों बता दें कि बतौर कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम के स्क्वाड में वापस आ चुके हैं। इसके अलावा केएल राहुल को भारतीय टीम के उप कप्तान बनाया गया है बांग्लादेश दौरे के लिए। लेकिन दोस्तों बता दें कई बड़े और चौंका देने वाला फैसला लिया गया है। भारतीय टीम के स्क्वाड में कई बड़े बदलाव भी हुआ है। या दोस्तों बता दें कि अभी दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। या दोस्तों इसके बाद बवाल समझ गया है, क्योंकि बता दें कि सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट मैचेस नहीं खेलते हैं और ऐसे में सिर्फ 3 वनडे मुकाबला था और उसमें भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। स्टार फॉर्म में चल रहे हैं सूर्य कुमार यादव, फिर भी उन्हें वनडे मैचेस से बाहर किया गया है, ये समझ से परे है। इसके अलावा एक और खिलाड़ी है संजू सैमसन। या दोस्तों संजू सैमसन को भारतीय टीम के स्क्वाड में तो रखा जाता था और लेकिन भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं मिलता था। लेकिन अब उससे भी और बुरा हुआ है, क्योंकि संजू सैमसन को भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि संजू सैमसन को भी भारतीय टीम के स्क्वाड से बाहर है बांग्लादेश के दौरे से। ऐसे में इनके लिए भी बेहद ज़्यादा चर्चा है कि आखिर क्यों बाहर किया गया है, जबकि वनडे में ऋषभ पंत का प्रदर्शन देखे तो बेहद ही खराब रहा है। लेकिन फिर भी ऋषभ पंत पर ज्यादा विश्वास दिखाया गया है और संजू सैमसन पर नहीं। या दोस्तों यह दो बड़े खिलाड़ी जो कि रोहित शर्मा के आने के बाद बाहर कर दिए गए हैं भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से, जो कि चौंका देने वाला फैसला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह दोनों खिलाड़ी को भारतीय टीम के स्क्वाड में जगह बनती है बांग्लादेश के खिलाफ, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।